बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फरवा हियर। जी बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कल हमने क्या किया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप्स पढ़ी थी, जो कि दो तरह की थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी और एक प्योर क्वाड्रेटिक थी। लेकिन आज हमने उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो जी बेटा, हमारे पास थ्री टाइप्स के मेथड हैं जिससे हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्या है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड है, इसी तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है, और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेटा हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है हमारा फैक्टराइजेशन, और ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है, उसमें यही कह रहा है कि वो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड को करने से पहले, एक्सरसाइज की तरफ चलने से पहले, सिंपल आपकी पेज नंबर थ्री पे एक रिमेंबर दैट पॉइंट है, जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमने फैक्टराइजेशन किस मेथड से करनी है। तो इसकी तरफ चलते हैं बेटा, पेज नंबर थ्री पे है ये आपका, सॉल्व 5x² इज इक्वल टू 30x। जी बेटा, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये है कि मैंने फर्स्ट इस मेथड को पहले हम देख लेते हैं। हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को पहले एज इट इज़ लिखा, देन हम 30x को लेफ्ट साइड पे ले गए, तो वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया उधर जाके। देन हमने क्या किया है, 5x कॉमन ले लिया है, इन दोनों में से मैं 5x कॉमन ले सकती हूँ, 5x मैंने कॉमन ले लिया, देन फर्स्ट टर्म में से जस्ट x बच जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, देन 5 6 30 एंड देन इट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5x, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह के रूट्स बन रहे हैं, एक 5x इज इक्वल टू 0, देन और करके हमने एक बेसिकली ये टर्म बन रही है हमारे पास जो कॉमन ली है, और एक ये, तो फर्स्ट वाली को हमने लिखा इक्वल टू 0, देन सेकंड वाली को और करके आप लिख देना इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब 0 से कोई चीज़ डिवाइड होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। जी इसी तरीके से इसको देखें, ये x माइनस 6 था इज इक्वल टू 0, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6 हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से करने से देख सकते हैं आप हमारे पास दो रूट्स आई हैं, दो तरह के आंसर आए, एक आया x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 6, क्योंकि बेटा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा रूट्स भी आपके पास दो ही आएंगे, ऊपर 2 है x की पावर, तो उसकी जो रूट्स बनेंगी वो भी हमेशा क्या बननी चाहिए, 2 रूट्स ही बननी चाहिए। तो दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, इसमें देखिए हमने क्या किया है, इसमें हमने कैंसिलेशन लॉ को यूज़ किया है, आप अपनी बुक में भी इसको देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि। जी बेटा ये बुक में देखें, ये रिमेंबर दैट कैंसिलिंग ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखें जी। अब उसने क्या किया, बोथ साइड पे कैंसिलेशन मीन वही डिवाइड किया है, बोथ साइड पे मैंने क्या किया, एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास क्या बच जाएंगी, 5x इज इक्वल टू का साइन एज इट इज़, एक्स एक्स से कैंसिल, तो जस्ट आपके पास 30 बच जाएगा। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 कोफिशियंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास 5 6 30, ये देखें 5 1 5 5 6 30, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब आप देख सकते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 6 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रूट गायब हो गई है, जो कि हमारी थी x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हुआ, एक रूट का हमसे लॉस हो गया है। तो ये वाला मेथड जो है वो प्रेफरेबल नहीं है, अगर हम इस तरीके से करेंगे कैंसिलेशन से या डिवीजन से, तो हमारा क्या होगा, एक रूट लॉस हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास दो रूट्स होने चाहिए, तो हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। तो जब कभी इस तरह का आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से करने से, कैंसिलेशन ना करने से या डिवीजन करने से क्या होगा, लॉस ऑफ वन रूट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास दो होनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक आई है। जी बेटा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ।